नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पूजा यानी जो अश्विन मास की पूर्णिमा है उसकी पूजा कैसे करनी है, किस समय करनी है, वो सब जानकारी आपको देने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ये दिन बहुत विशेष होता है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए। साथ ही साथ चंद्रदेव की भी इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण युक्त होता है। खीर का विशेष महत्व होता है। इस बार 2024 में 16 तारीख को शाम को लगभग 8 बजे के करीब से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 17 तारीख को 4 बजे के करीब तक पूर्णिमा रहेगी शाम को। तो क्योंकि इसमें शाम की पूजा का और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए जो है ये पूजा जो है व्रत अगर आप रख रहे हैं शरद पूर्णिमा का, तो ये आपको 16 तारीख को ही रखना है और 17 तारीख को नहीं रखना है उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा जो उदय होगा वो 16 तारीख को मुहूर्त मिल रहा है, तो इसलिए व्रत जो है आपको वो भी 16 तारीख को ही रखना है। क्योंकि ये पूजा शाम के समय चंद्रमा के उदय के बाद की जाती है, तो अगर आपके घर में आंगन है, छत है, तो आप अपने वहाँ पर पूजा करिएगा चौकी स्थापित करके। और अगर शहरों में फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप घर में ही किसी स्वच्छ स्थान पर पूजा कर सकते हैं। पर अगर पॉसिबल हो तो जहाँ से चंद्रमा यानी चंद्रदेव के दर्शन हो वहाँ पर पूजा करिएगा। सुबह उठ के सबसे पहले आपको व्रत अगर आप रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प करना है, नहीं तो ऐसे ही माता लक्ष्मी की विष्णु भगवान की आपको पूजा अर्चना करनी है विधिवत। उसके बाद शाम के समय में आपको विशेष तौर पर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है, तो आप एक चौकी स्थापित करिएगा और माता लक्ष्मी का साथ ही साथ विष्णु भगवान का अगर साथ में है कोई फोटो आपके पास तो आप उनको स्थापित करिए, नहीं तो माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान का जो भी रूप का आपके पास फोटो है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको स्थापित कर दीजिएगा दोनों की पूजा करने के लिए। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाइएगा और स्थापना करने के बाद, लक्ष्मी माता को स्थापित करने के बाद आपको चंद्रमा की भी पूजा करनी है, तो अक्षत से थोड़े से आपको चंद्रदेव की आकृति बना लेनी है चौकी पर ही। इस तरह से देखिए चंद्रदेव की आकृति बना लिया है। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, माता लक्ष्मी के लिए कलश पूजन ज़रूरी होता है, तो इसलिए कलश स्थापना ज़रूर करिएगा। पीतल या तांबे के लोटे में जल भर करके उस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है, गले में मौली लपेट लीजिएगा और थोड़े से अक्षत और सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल, ये सब चीज़ें, आपको सिक्का, ये 4-5 चीज़ें आपको अपने कलश में डाल के रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अनाज कोई लेना, चाहे आप गेहूँ ले सकते हैं, आप चावल भी ले सकते हैं, उसको आपको आम का पल्लव रखना है, उस पर टीका उसको भी कर लेना है और आम के पल्लव पे फिर वो अनाज रख करके आपको नारियल को स्थापित करना है, क्योंकि नारियल श्रीफल माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय फल होता है, तो श्रीफल को भी आप स्थापित करेंगे, उस पर चुनरी या फिर मौली लपेट दीजिएगा और मुख जो है वो ऊपर की तरफ नारियल का रखिएगा या फिर जो पूजा कर रहा है सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको नीचे अष्टदल कमल बनाना है, उसके बाद कलश की स्थापना कर दीजिएगा। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं तो आपको गणेश भगवान की भी वहाँ पे स्थापना करनी है, चाहे तो आप सुपारी में मौली लपेट करके भी गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको एक दीपक जला के रख लेना है, जो कि आपकी पूरा पूजा का जो है वो साक्षी होगा। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका विधिवत स्नान कराइएगा पंचामृत से, अगर नहीं है तो आप प्रतीक के रूप में, इस तरह से देखिए जैसे मैंने कराया है, प्रतीक के रूप में विष्णु भगवान का अभिषेक करेंगे दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, इन चीज़ों से आपको अभिषेक करना है विष्णु भगवान का, ठीक है। उसके बाद उसको आप बाद में पंचामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, उसे वैसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लें, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रिय चीज़ें जो होती है माता लक्ष्मी की, जैसे शंख हो गया है और कछुआ होता है, इन चीज़ों को भी आपको स्थापना कर देनी है।
सभी चीज़ों को स्थापित करने के बाद में, सभी भगवान को देवताओं को करने के बाद में आपको जल से स्नान करवाना है, सभी को शुद्ध कर देना है, अपने आप को भी शुद्ध कर लेना है और सभी से आपको आग्रह करना है, आह्वान करना है कि उनका आगमन हो यहाँ पर, आपकी पूजा में शामिल होने के लिए वो सब आ जाएं। माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान का, विष्णु भगवान का, साथ ही साथ चंद्रदेव का आपको विशेष तौर पे आवाहन करना है। इसके बाद आपको स्नान वगैरह कराने के बाद आप फूल और समर्पित करिएगा लक्ष्मी माता के लिए। आप गुलाब का फूल, कमल का फूल या लाल कोई भी फूल ले लीजिएगा, विष्णु भगवान को पीले फूल, चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो आप उनके लिए सफ़ेद प्रिय होता है तो उनके लिए आप सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी उनको ज़रूर अर्पित करिएगा, साथ ही साथ गणेश भगवान को उनकी प्रिय दूर्वा ज़रूर अर्पित करिएगा। इस तरह से सबकी प्रिय वस्तुएँ अर्पित करने के बाद आपको रोली से और हल्दी से या फिर पीले चंदन से आपको सभी को टीका कर देना है और गणेश भगवान और लक्ष्मी माता के लिए आपको सिंदूर से टीका कर देना है। इसके बाद आपको वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करनी है और अगर आपके सामर्थ्य हो तो आप साड़ी या कुर्ता धोती कोई वस्त्र सचमुच में ले सकते हैं और बाद में उसे किसी को आप दान कर सकते हैं। चाहे साड़ी है तो किसी सुहागन स्त्री को और अगर कुर्ता धोती है तो किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य पे है, कंपलसरी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो कर दीजिएगा वस्त्र दान और उसके बाद जनेऊ ज़रूर अर्पित करिएगा। यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं वो गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आते हैं भोग प्रसाद पे। भोग प्रसाद में देखिए सफ़ेद वस्तुओं का विशेष महत्व होता है तो खीर अपने भोग में ज़रूर शामिल करिएगा क्योंकि वो चंद्रदेव को भी प्रिय है, माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती है गाय के दूध से बनी हुई खीर, तो वो लीजिएगा। साथ ही साथ गणेश भगवान के लिए लड्डू और कोई भी मिष्ठान्न आप ले लीजिएगा। मौसमी फल जो आसानी से मिल जाता है और ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने हो गए, मिश्री हो गया है, काजू बादाम, लक्ष्मी को सुख समृद्धि वैभव का देखिए होता है तो ये चीज़ें उनको अति प्रिय होती हैं भोग के रूप में। तो ये भोग सामर्थ्य आपकी जैसी हो उस तरह से आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से भोग अर्पित कर दीजिएगा। हालांकि खीर जरूर होती है तो खीर आपको ज़रूर बनानी है शाम के समय में, उसको आपको चंद्रदेव को भी भोग लगाना है और लक्ष्मी माता को भी भोग लगाना है, ठीक है, तो खीर जरूर बना लीजिएगा। फिर आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पांच चीज़ें भी केवल अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है, नेल पेंट है, ये चीज़ें हैं, सिंदूर हो गया है, लिपस्टिक है, अपने हिसाब से पांच चीज़ें कम से कम कर दीजिएगा, अब उसके आगे आपकी इच्छा है। और हाँ, इसमें आप कुछ चीज़ें अपने स्वयं के पास रखेंगे, जब बाद में उठा माता का आशीर्वाद के बाद में आप कुछ चीज़ें स्वयं रख लीजिए और कुछ चीज़ों को आप दान कर दीजिएगा। ये सब ही भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के आपको शरद पूर्णिमा की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद दक्षिणा अपने हिसाब से जो भी आपकी सामर्थ्य है 11, 21, 51, 100, 100 जो भी है वो दक्षिणा आप चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा आपकी पूजा की कमियों को दूर कर देता है। फिर आपको छोटी सी एक हवन करनी है। हवन सामग्री आपको मार्केट में बड़ी आसानी से पूजा की दुकान पे मिल जाती है, नहीं तो आप स्वयं में भी बना सकते हैं। आप जो उपले आते हैं उपलों से हवन कर सकते हैं, अग्यारी कर सकते हैं, या फिर आम की लकड़ी मिल जाती है पूजा की दुकान पे, थोड़ा सा वो ले सकते हैं और उससे आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री आपको मिल जाएगी। फिर आपको ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए आपको अपना हवन जो है पूर्ण कर देना है। थोड़ी देर किया होती होती है ओम चंद्रदेवाय नमः इस तरह से कहते हैं, सभी देवी देवताओं को स्मरण करना है आपको और उनका मंत्र बोलते हुए हवन पूर्ण कर लेनी है। उसके बाद हवन के बाद जो भी आपने भोग अर्पित किया है वो भोग भी थोड़ा थोड़ा सा हवन में हमको डाल देना चाहिए, इससे वो चीज़ हवन में डालने से देवी देवताओं को शीघ्र प्राप्त हो जाती है तुरंत ही, ठीक है। ये करने के बाद अंत में आप अग्यारी की समाप्ति कर दीजिएगा, सुपारी डाल दीजिएगा उसमें और लौंग डाल दीजिएगा, इलायची, और इस तरह से आपका हवन जो होता है वो पूर्ण हो जाएगा। अंत में हवन पूर्ण करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती कपूर से और घी के दिए से करनी है। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की आरती कर दीजिएगा, चंद्रदेव को भी स्मरण कर दीजिएगा। अगर आप आंगन में पूजा कर रहे हैं तो आप चंद्रदेव को अर्घ वहीं से जो है दिखा दीजिएगा, नहीं तो आपकी चौकी पर तो आपने स्थापित करके ही रखा है चंद्रदेव की, उनकी भी विशेष पूजा अर्चना कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़ के आपको अपनी गलतियों के लिए जो भी है वो क्षमा याचना करनी है, वो जो भी भूल चूक हो गई है
पूरी पूजा समाप्त करने के बाद, भोग प्रसाद करने के बाद, आपको अंत में चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ के लोटे में आप रोली डाल दीजिएगा, चावल डाल दीजिएगा और सफ़ेद फूल डाल दीजिएगा और चंद्र देवता को आपको ओम चंद्रदेव वाय नमः कहते हुए अर्घ दे देना है। फिर उनको आपने वैसे तो अपनी चौकी पर भोग लगा दिया है, पर आप चाहें तो आप अलग से भी चंद्रदेव को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद रात में कहते हैं इस दिन अमृत बरसता है, तो फिर और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है, तो थोड़ी सी खीर आपको बना करके कटोरे में उसको चलने से रख करके छत पर अपने रख देनी है, छत पर या खुले स्थान पर। बाद में उसे आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं तो 2-3 घंटे रख दीजिए, उसके बाद उठा लीजिए और अगले दिन प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर लेना है। इससे क्या होता है, बीमारियाँ भी दूर होती हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।